तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन द पाइल फाउंडेशन और यू कैन सी डी फाउंडेशन। तो इससे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे थे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सेलो फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, कुछ डी फाउंडेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हम लोग CET 1 के लिए क्वेश्चन किए थे और उसके आंसर देखे थे। तो आज हम लोग केवल पाइल फाउंडेशन पे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे वेराइटीज हो सकती हैं क्वेश्चन पूछे जाने का, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर वो हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लोड विच कैन बी कैरिड बाई ए पाइल इज डिफाइन एज, द मैक्सिमम लोड विच कैन बी कैरिड बाई द पाइल इज ए डिफाइन एज, यानी अगर पाइल के ऊपर कोई मैक्सिमम लोड आ रहा है, लग रहा है और उसको हम लोग डिजाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं पाइल को, तो उस मैक्सिमम लोड को जिससे वो सेफली कैरी कर ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पाइल का क्या बोलते हैं। तो हम लोग पढ़े थे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये तो हम लोग बोलते ही थे। दूसरा जो वर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दूसरा अल्टीमेट बियरिंग रेजिस्टेंस भी हम लोग बोल सकते हैं, बियरिंग रेजिस्टेंस। अब बियरिंग रेजिस्टेंस में ये वर्ड नहीं मेंशन है कि अब फ्रिक्शन बियरिंग रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन बोल रहा है कि आपका एंड बियरिंग बोल रहा है, तो केवल बियरिंग रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इसमें दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आ सकती है। और थर्ड दिया आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी या पाइल फाउंडेशन ये भी हम लोग उस लोड को बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन ऑप्शन इज करेक्ट। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं, अल्टीमेट बियरिंग रेजिस्टेंस भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी उस लोड को हम लोग बोलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखें, द अलाउबल लोड विच द पाइल कैन कैरी सेफली इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। तो कर रहे थे अलाउबल लोड को हम लोग बोलते हैं सेफ लोड ऑफ पाइल फाउंडेशन, सेफ लोड भी बोलते हैं हम लोग। अलाउबल लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, सेफ लोड ऑफ पाइल फाउंडेशन, ऑन पाइल फाउंडेशन। तो अलाउबल लोड और सेफ लोड मीनिंग इज सेम, सेफ लोड। तो कह रहा है अलाउबल लोड विच द पाइल कैन कैरी सेफली इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे, लोड टेस्ट के बेसिस पे, या स्टेबिलिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन, या ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, स्टेबिलिटी ऑफ द पाइल फाउंडेशन। तो जो सेफ लोड आता है, तो सेफ लोग हम लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कि लोड में हमारा पाइल फाउंडेशन फेल नहीं हो, इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लोड सेट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ लोड या अलाउबल लोड। तो यह किस पे डिपेंड करता है, उसकी स्टेबिलिटी पे, उसकी फेलियर रजिस्टेंस के अगेंस्ट जो कैपेसिटी हो सकती है पाइल फाउंडेशन का, उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द पाइल फाउंडेशन। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द पाइल फाउंडेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड डायनेमिक फार्मूला। तो जैसे हम लोग पढ़े थे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी और पाइल फाउंडेशन कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा फर्स्ट मेथड था। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने का तीन मेथड होते हैं, फर्स्ट मेथड था हमारा एनालिटिकल मेथड, फर्स्ट
एनालिटिकल मेथड आर स्टैटिक मेथड. स्टैटिक 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 और एनालिटिकल मेथड. एनालिटिकल एनालिटिकल मेथड. सेकेंड मेथड था हमारा, सेकेंड था डायनेमिक मेथड. तो डायनेमिक मेथड में हम लोग क्या, इसमें इम्पैक्ट ऑफ हैमर यूज करते हैं. डायनेमिक कोई मैकेनिकल इम्पैक्ट यूज करके हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल फाउंडेशन का डायनेमिक मेथड थर्ड याद रखेंगे. डायनेमिक मेथड और सेकेंड और थर्ड है फील्ड मेथड. तो फील्ड मेथड में हम लोग बहुत सारे मेथड पढ़े थे, जैसे पाइल लोड टेस्ट, SPT, कोन पेंट्रेशन, ये सब टेस्ट पढ़े थे. और साइक्लिक लोड टेस्ट भी पढ़े, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट भी पढ़े थे हम लोग. तो ये सारे फील्ड मेथड हैं. तो डायनेमिक मेथड के अंदर इम्पैक्ट ऑफ हैमर का यूज करके, जैसे हम लोग किसी हैमर के थ्रू पाइल फाउंडेशन के ऊपर हैमरिंग करते हैं और इम्पैक्ट के थ्रू वर्क डन होता है बाई पाइल, वह कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं. तो इसमें बोल रहा है कि डायनेमिक जो फार्मूला है, डायनेमिक जो मेथड्स हैं, उस ये जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कितने हैं जो डायनेमिक मेथड के अंदर आते हैं. तो ENR फार्मूला हम लोग पढ़े थे, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला, जिसको ENR फार्मूला भी बोलते थे. तो ENR फार्मूला भी हम लोग डायनेमिक मेथड के अंदर पढ़े हैं. हिलेज फार्मूला भी हम लोग डायनेमिक मेथड के अंदर पढ़े हैं. स्टैटिक फार्मूला ये हम लोग एनालिटिकल मेथड के अंदर पढ़े हैं. नन ऑफ द मेंशन कह रहा कि कोई ऑप्शन इसमें से सही नहीं है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इंजीनियर, क्योंकि ये तो आपका एनालिटिकल मेथड है, ये किसी एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं. स्टैटिक मेथड फर्स्ट मेथड यह था. दूसरा जो डायनेमिक मेथड है, इंजीनियर रिकॉर्ड फार्मूला है, हिले फार्मूला है, ये सब इसके अंदर आते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट शुड बी एडॉप्टेड फॉर फाइंडिंग इन अलाउबल लोड फॉर ए पाइल. तो कह रहा पाइल फाउंडेशन के केस में हम लोग अगर सेफ लोड या परमिसिबल लोड कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हम लोग कंसिडर करते हैं, तो उसे हम लोग जनरली वहाँ देखे थे तो 2 से 3 के बीच में होता है, 2 से 3 के बीच में. तो यहाँ पे ऑप्शन जो आ जाएगा कोड के अकॉर्डिंग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग यूज़ करते हैं 2 से 3 के बीच में, और जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं 2.5 to 3 भी यूज़ करते हैं, जो मैक्सिमम यूज़ करते हैं 2.5. तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 2.5 and 3. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो द IS कोड रिकमेंड्स दैट फॉर द वर्किंग आउट अलाउबल लोड ए मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 or 3 शुड बी यूज. तो वही मैं बोल रहा था कि 2 से 3 के बीच में यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउबल लोड फॉर पाइल इज गिवन बाय द इक्वेशन. तो अगर अलाउबल लोड को हम लोग सेफ लोड ही बोल रहे हैं, अलाउबल लोड आर सेफ लोड सेफ लोड सेफ लोड. तो ये हम लोग पढ़े थे अलाउबल लोड और सेफ लोड इक्वल टू होता है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो अलाउबल लोड इक्वल टू अल्टीमेट लोड ऑफ पाइल फाउंडेशन डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो ए ऑप्शन अभी तो करेक्ट हो रहा, बी ऑप्शन देखा अलाउबल लोड इक्वल टू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो ये तो गलत हो गया, मल्टीप्लाई ने डिवाइड होता है. और अलाउबल लोड इक्वल टू तो ये डायनेमिक मेथड के अंदर आता है अलाउबल लोड कैलकुलेट करने का. WHS+C डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो जो करेक्ट आंसर इसमें अगर देखेंगे जनरल फार्मूला, तो
तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है अलाउबल लोड आर सेफ लोड, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। द सेपरेशन ऑफ क्यू एट एनी स्टेज ऑफ लोडिंग इन टू द साइक्लिस्टिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाउंड आउट बाय। तो कह रहा कि हम लोग ऐसे साइक्लिक लोड टेस्ट के बारे में अगर देखें तो साइक्लिक लोड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है और जिसमें हम लोग जो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और स्किन फिक्सन रेजिस्टेंस होता है वो सेफली और सेपरेटली अलग अलग हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तो आरपी रेजिस्टेंस पी आरपी बोला पॉइंट रेजिस्टेंस और आरआईएफ को डिनोट कर रहा है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो कह रहा कि जो साइक्लिक लोड टेस्ट है ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाउंड आउट यानी किस पे बेस्ड है, किस के बेस पे यह निकाला गया है साइक्लिक लोड टेस्ट, तो यह है AF1 विली जो होते हैं उनका अप्रोच हम लोग साइक्लिक लोड टेस्ट के अंदर साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट के अंदर यूज किए थे AF1 विली। तो इसका अप्रोच यूज करके इनका अप्रोच हम लोग यूज करके जो साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट होता है उसके थ्रू हम लोग एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और स्किन फिक्सन रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो द सेपरेशन ऑफ क्यू एट एनी स्टेज ऑफ लोडिंग इन टू आर पी एंड आर एफ इन साइक्लिक टेस्ट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल फाउंड वैल्यू ऑफ AF वैन विली इन 1957 दैट द लोड ऑन द पाइल टोज दैट द लोड ऑन द पाइल टो इंक्रीज लिनियरली विद द इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ द सोयल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्यूल टेस्ट के अंदर साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट के अंदर हम लोग लोडिंग करते हैं और जो भी जो पाइल का टोज होता है उस पे जो लोड्स आते हैं जो जनरेट होते हैं चाहे वो रिएक्शन की वैल्यू है चाहे स्किन फिक्सन रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो AF वैन विले क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट में याद रखें, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप डिपेंड्स ऑन, अगर इफिशियंसी की हम लोग बात कर रहे हैं इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप तो किस पे डिपेंड करेगा। वैसे हम लोग पढ़े थे इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप इक्वल्स टू डिफाइन एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल टू एन टाइम्स एन मीन्स होता है नंबर ऑफ पाइल एन मीन्स नंबर ऑफ पाइल एन टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए इंडिविजुअल पाइल अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए इंडिविजुअल पाइल हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइल एंड स्पेसिंग ऑफ पाइल पहला ऑप्शन ये है। दूसरा कह रहा है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सोयल। तो इफिशियंसी ऑफ सोयल जो होता है ये मेन जो डिपेंड करता है ये फीचर पे सोयल की जो फीचर होती है पाइलिंग का जो डायमेंशनिंग होती है उस पर डिपेंड करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइल एंड स्पेसिंग ऑफ पाइल। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेनेशन में भी मेंशन किया है द एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइल का मतलब ये है कि वो कैसा दिख रहा है उसका शेप क्या है टेक्सचर क्या है। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइल दैट इज लेंथ डायमीटर मटेरियल इट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेसिंग ऑफ पाइल अब पाइल ग्रुप की बात कर रहा है तो स्पेसिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है कि कितनी स्पेसिंग हम लोग प्रोवाइड किए हैं प्रॉपरली स्पेस है कि नहीं एंड टोटल नंबर ऑफ पाइल्स इन रो और एंड कॉलम। तो ये सारे पोजिशंस ये सारे डायमेंशन इस पर डिपेंड करती है इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप। तो याद रखेंगे एक तो जो ग्रुपिंग है उसके करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है और पाइल के शेप टेक्सचर पे डिपेंड करेगी मोस्टली अगर देखा जाए इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूले कैन बी यूज फॉर डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ फाइल ग्रुप। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें से फार्मूला हम लोग यूज करते हैं इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए फाइल ग्रुप का। तो डायनेमिक फार्मूले जो हम लोग यूज करते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए, स्टैटिक फार्मूला भी हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, हीले फार्मूला भी हम लोग यूज करते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड यह डायनेमिक मेथड होता है। तो बचा एक आपका ऑप्शन सी फील्ड फार्मूला। तो याद रखेंगे इफिशियंसी या पाइल ग्रुप अगर कैलकुलेट करना है तो फील्ड फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी है इज राइट आंसर, फील्ड फार्मूला। अब एक तो हम लोग इफिशियंसी कैलकुलेट करने के जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है ग्रुप पाइल के लिए अलग कैलकुलेट करते थे और इंडिविजुअल पाइल के लिए अलग कैलकुलेट करते थे, फिर उसके बेसिस पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करते थे एफिशिएंसी या पाइल ग्रुप कैलकुलेट करने के लिए। और एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कन्वर्स लेवेरे फार्मूला। तो हम लोग उसके थ्रू भी एफिशिएंसी आप पाइल ग्रुप कैलकुलेट कर सकते थे। तो हम लोग यहाँ कन्वर्स लेवेरे फार्मूला में पढ़े थे एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप पाइल ईटा जी इक्वस टू 1 माइनस फाइव अपॉन नाइन्टी। तो यहाँ पे याद रखेंगे फाइव अपॉन नाइन्टी। फिर एक छोटे से ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे होता था m और n माइनस वन प्लस अब n बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में चला जाएगा कौन m, तो m माइनस वन डिवाइड बाय m इंटू n। और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो फाइ होता है हमारा, फाइ यहाँ पे भी है, फाइ इक्वस टू आर्क टेन वैल्यू या आर्क एंगल बोलते हैं, आर्क टेन वैल्यू। फाइ क्या है? आर्क टेन वैल्यू। या इसी को आर्क एंगल कह सकते हैं। और ये होता है फाइ इक्वस टू टेन इनवर्स डी अपॉन एस वे आर डी इक्वस टू डायमीटर ऑफ पाई, वे आर डी इक्वस टू डाया ऑफ पाई एंड एस इक्वस टू स्पेसिंग ऑफ पाई। m इक्वस टू यहाँ पे क्या है, m इक्वस टू नंबर ऑफ पाइल इन रो, n नंबर ऑफ पाइल इन कॉलम हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमने पढ़े थे एंड m एंड n वैल्यू आर इंटरचेंजेबल।
तो अगर फार्मूले में m की जगह वो वैल्यू आप n लिख दे रहे हैं और n की जगह आप m लिख दे रहे हैं, तब भी जो इफिशियंसी आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। तो m एंड n वैल्यू आर इंटरचेंजेबल। तो इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए बेसिक फार्मूला जो एक्सप्रेशन के टर्म में हम लोग याद किए हैं, दूसरा कन्वर्स लेवेरे फार्मूला होता है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग फाइल ग्रुप की इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं, जैसे सीलर केनी फार्मूला होता है, सीलर केनी फार्मूले, फील्ड रूल और फिर फील्ड फार्मूला। तो ये ऐसे थीरी हैं, ऐसे फार्मूले हैं, एक्सप्रेशन हैं जिसके थ्रू हम लोग एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाउनवर्ड ड्रैग एक्टिंग ऑन द पाइल। डाउनवर्ड ड्रैग बोल रहा है, तो ड्रैग मीन्स होता है रिएक्शन जनरेट होना, यानी कोई भी एक्टिविटी कर रहा है कोई रिएक्शन जनरेट हो रहा है तो उसको बोल रहा है ड्रैग। तो कर डाउनवर्ड ड्रैग जब हम लोग जो एक्ट करता है जनरेट होता है एक्टिंग ऑन द पाइल ड्यू टू द मोमेंट ऑफ द सराउंडिंग इज कॉल्ड। कह रहा है कि अगर पाइल फाउंडेशन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो पाइल फाउंडेशन ये हमारा पाइल फाउंडेशन है, और पाइल फाउंडेशन जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो सराउंडिंग के कारण जो यहाँ पे ड्रैग फोर्स जनरेट हो रहे हैं, डाउनवर्ड ड्रैग फोर्स जो जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे। तो स्किन फ्रिक्शन तो हमें होता है जो जनरली हम लोग पढ़े थे, जो अगर मूवमेंट डाउनवर्ड है और अपवर्ड ये जनरेट हो रहा है इसको बोलते थे स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अपवर्ड जनरेट हो रहा था तो इसको हम बोले थे स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, और अगर डाउनवर्ड जनरेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं निगेटिव स्किन फ्रिक्शन। तो अगर केवल जनरेट हो रहा है सरफेस पे, अब वो डाउनवर्ड है अपवर्ड उसी का कोई मेंशन नहीं है, तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उसका डायरेक्शन क्या है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फ्रिक्शन बोल देते हैं, और अपवर्ड है और अगर डाउनवर्ड है तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाइल स्पेसिंग ऑफ ईच पाइल इज टेकन एज द डायमीटर ऑफ पाइल। पाइल स्पेसिंग ऑफ ईच पाइल इज टेकन एज डायमीटर ऑफ पाइल। कह रहा कि जो पाइल ग्रुप के लिए हम लोग स्पेसिंग वर्ड यूज करते हैं, तो स्पेसिंग डाया पाइल का कितना गुना होना चाहिए, कितना टाइम्स होना चाहिए। तो हम लोग पढ़े थे स्पेसिंग तो दो टाइप्स के पाइल होते हैं। एक तो हम लोग पढ़े थे फॉर फिक्शन पाइल। स्पेसिंग लिमिटेड टू 2.5 D to 3.5 D and for end bearing pile spacing is limited to 3D to 4D and in case of absent data, if need to be assume spacing for group pile, then we can assume the general value of spacing 3D. तो अगर हमें एज्यूम करना है डेटा स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो जनरल वैल्यू हम लोग लिखते हैं 3D लेके चलते हैं। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 3 times of dia of pile। Next question, the settlement of a group of friction pile can be computed on the assumption that
तो कह रहा है कि अगर सेक्शन पाइल है उस केस में, सेक्शन पाइल है, बहुत सारे पाइल है, पाइल ग्रुप हैं, उस केस में अगर सेटलमेंट हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है या कौन सा ऐसा एजेंट है जिसको हम लोग एज्यूम किए हैं। तो पहला एजम्पशन ये है कि क्ले इज इनकम्प्रेसिबल, दूसरा पाइल्स बिलो द लोअर लेवल इज इग्नोर, ऐसा नहीं है, हम लोग पाइल के नीचे जो सोयल होती है, पाइल बिलो द लोअर लेवल इज इग्नोर, ऐसा तो कभी नहीं करेंगे कि कोई पाइल हम लोग प्रोवाइड किए हैं और इग्नोर कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन। तो बियरिंग रेजिस्टेंस इज जीरो, तो अगर सोयल है और बियरिंग पाइल है तो उस केस में ये भी जीरो नहीं होगा, तो ये भी एजम्पशन गलत है। जब तक मेंशन नहीं रहेगा तब तो जीरो नहीं लिख सकते हम लोग। लास्ट ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी हम लोग सेटलमेंट की बात करते हैं, जब भी हम लोग सेटलमेंट की बात करते हैं उस केस में जो डीके है, डीके इन सोयल इज नेग्लेक्टेड, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग सेटलमेंट बोल रहे हैं तो सेटलमेंट मीन्स होता है वर्टिकल शिफ्टिंग या वर्टिकल चेंज या वर्टिकल डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम बोल रहे हैं सेटलमेंट। तो अगर सोयल सोयल ही अगर सोयल कंप्रेसिबल होता तो सेटलमेंट जो होगा कंप्रेसिबल के कारण हो जाएगा, यानी जैसे ही कंप्रेस होगा सोयल और उसी को हम बोल देंगे सेटलमेंट। लेकिन जब भी हम सेटलमेंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ कंपेक्शन प्रोसेस हुआ है। अब कंपेक्शन प्रोसेस के पीछे या तो कंसोलिडेशन होगा या तो कंपेक्शन होगा। तो कंपेक्शन एयर के रिमूव होने से होता है और कंसोलिडेशन जो होता है वॉइड्स के अंदर अगर वाटर रिमूव हो रहा है, तो सॉलिड पार्टिकल कंप्रेस नहीं होगा। तो क्ले इनकम्प्रेसिबल, तो यह एजम्पशन सही है। तो क्ले इज इनकम्प्रेसिबल, इसका मतलब यह है कि इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी है उसको हम लोग क्ले पार्टिकल के लिए जीरो बोल रहे हैं, क्योंकि कंप्रेसिबल अगर कंप्रेसिबल है तो सेटलमेंट उसी के कारण हो जाएगा, तब कि हम लोग जो इनकम्प्रेसिबल जो टर्म्स है वो किसके टर्म्स में यूज करते हैं, एयर के निकलने से जो वॉल्यूम जो कंप्रेसिबिलिटी प्रोसेस हो जा रहा है, जो वाटर के निकलने से कंप्रेसिबिलिटी प्रोसेस हो जा रहा है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए सेटलमेंट कैलकुलेट करते हैं, ना कि पार्टिकल इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से। हाँ, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट में क्या होता है कि रीएडजस्टमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल होता है, तो वहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी जो होता है सॉलिड पार्टिकल के कारण हो सकता है और होता भी है, तो रीएडजस्टमेंट होता है। लेकिन क्ले के केस में यह सेटलमेंट हम लोग नहीं लेके चलेंगे कि जो सॉलिड पार्टिकल है उसी कंप्रेस होने से सेटलमेंट हो। तो अगर सेटलमेंट हम लोग बोल रहे हैं सेटलमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्ले पार्टिकल जो सॉयल पार्टिकल हुआ इनकम्प्रेसिबल लेके चलेंगे, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन यूज फॉर डिटरमाइनिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाइल। तो ग्रुप पाइल के लिए निकालना है यहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल, ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल बोल रहा है। ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल बेयरिंग कैपेसिटी, तो सेफ तो इफिशियंसी के टर्म में भी निकाल सकते हैं ये फार्मूला। अब जैसे ये जो हम लोग फार्मूला ऊपर ये ऑप्शन लिखा है ये सिंगल पाइल के लिए होता है, ग्रुप पाइल के लिए भी लेता है, लेकिन जो नोटेशंस है वो गलत है, क्योंकि पी हम लोग यूज करते हैं पाइल सिंगल पाइल के लिए, इंडिविजुअल पाइल के लिए, और अगर जी लिखा है इसका मतलब ग्रुप पाइल, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं सही है। अब बी और सी देखते हैं, तो हम लोग पढ़े थे इफिशियंसी ऑफ ग्रुप पाइल,
efficiency of group file is equals to ultimate load carrying capacity of file group divided by n times ultimate load carrying capacity of an individual file. तो ये फार्मूला आता है एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप फाइल के लिए। अब यहाँ से अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर हम निकालेंगे, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप फाइल इज इक्वल टू एन टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए इंडिविजुअल फाइल इनटू एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप फाइल ईटा जी। तो ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन में। तो एन टाइम्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल फाइल इनटू एन ईटा जी सॉरी ईटा जी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हेन द अंडर रिम्ड फाइल हैज ओनली वन बल्ब इट इज कॉल्ड, कह रहा है कि अगर अंडर रिम्ड फाइल हम लोग बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं और एक ही बल्ब हम लोग प्रोवाइड किए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस अंडर रिम्ड फाइल को क्या बोलेंगे। तो पहली बात तो हम लोग जानते हैं अंडर रिम्ड फाइल यूज करते हैं एक्सपेंसिव अगर सॉयल है, अगर सॉयल के अंदर हाई स्वेयरिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी है लाइक एज ए ब्लक कटन सॉयल, तो उस केस में जो हम लोग फाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं अंडर रिम्ड फाइल, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर रिम्ड फाइल। तो अंडर रिम्ड फाइल में जो हम लोग फाइल फाउंडेशन बनाते हैं उससे डिफरेंट जो क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट रखते हैं। और डिफरेंट की अगर बात करें तो होता क्या है कि हम लोग ऐसे कुछ लोकेशन में एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू या स्किन फिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने के लिए, जिससे कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, चाहे हम लोग एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे या स्किन फिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो इसमें एक तो हमें पता चल गया कि अगर सॉयल का नेचर एक्सपेंसिव या ब्लैक कटन सॉयल है उसके इसमें हम लोग अंडर रिम्ड पाइल प्रोवाइड करते हैं। अब अंडर रिम्ड पाइल में क्या करते हैं कि जो नॉर्मल पाइल होता है उसके क्रॉस सेक्शन में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हम लोग कर देते हैं, जिससे कि ए बी की वैल्यू या ए एस की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। ए बी या ए एस की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, ए बी या ए एस की वैल्यू बढ़ने से, अब इसमें जब भी मतलब इसको हम बोलते हैं जब एक्सपेंड करते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया उसको बोलते हैं बल्ब, इसको बोलते हैं बल्ब। तो बहुत सारे बल्ब बना सकते हैं फाइल के अंदर या सिंगल एक ही बल्ब बना सकते हैं, या डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सोयल पे, नेचर ऑफ सोयल पे। तो अगर यहाँ से मैं हम लोग बल्ब बनाते हैं तो बल्ब बनाने से होता क्या है कि या तो ए बी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ए बी की वैल्यू
एंड बियरिंग एरिया या तो AS की वैल्यू स्किन सरफेस एरिया AS की वैल्यू बढ़ जाए। अब AB या AS अगर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, अगर AB इंक्रीज हो रहा है तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये इंक्रीज हो गया तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और AS अगर इंक्रीज हो रहा है तो AS से इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो फाइनली अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इस तरह से क्रॉस सेक्शन सेट करते हैं, इस तरह से एक्सपेंड करते हैं जिससे कि ए बी या ए एस की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। तो अगर एक ही बल्ब हम लोग बनाए हैं पाइल के अंदर तो उसको बोलते हैं सिंगल अंडर रिम्ड पाइल, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल अंडर रिम्ड पाइल। बहुत सारे पाइल लगाए हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल। बहुत सारे बल्ब बनाए हैं तो उसमें उसको बोलेंगे मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल। तो एक ही बल्ब है तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है ओनली वन बल्ब तो उसको बोलेंगे सिंगल अंडर रिम्ड पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अंडर रिम्ड पाइल इज केप्ट इक्वल टू हाउ मैनी टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइल। तो कह रहा कि अगर नॉर्मल केस में अगर कोई पाइल है जिसका डायमीटर कोई डी है, जिसकी डायमीटर अगर हम लोग ले रहे हैं एज्यूम कर लेना डी है, तो इस डी के कंपेयर में जो हम लोग बल्ब बनाएंगे अंडर रिम्ड पाइल बनाएंगे उसकी डाया क्या होगी, तो बल्ब की डाया क्या होगी। तो डाया ऑफ बल्ब हम लोग फार्मूला पढ़े, डाया ऑफ बल्ब इसकी डाया को हम लोग बोल रहे हैं बी यू बल्ब। तो ये आपका होता है टू टू थ्री टाइम्स डाया ऑफ नॉर्मल पाइल। तो दो से तीन गुना होता है डाया किसका, डाया पाइल का। तो ऑप्शन देखेंगे तो 4 times ये भी गलत हो गया, 5 ये भी गलत हो गया, 2.5 ये सही है क्योंकि 2 और 3 के बीच में 2.5 आ रहा था, ये सही है। और 2 से 3 के बीच में था 2 से 2.3 जो 5 है वह ज़्यादा बेस्ट है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो जानिए द डायमीटर ऑफ अंडर रिम्ड पाइल इज केप्ट इक्वल टू 2.5 टाइम द डायमीटर ऑफ पाइल स्टेम। हाउएवर इट वेरी फ्रॉम 2 to 3 times द स्टेम डायमीटर ऑफ अ पाइल स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर टाइप्स ऑफ कंडीशन। किस टाइप्स ऑफ कंडीशन के लिए, सोयल किस टाइप ऑफ कंडीशन के लिए अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सीजनल मॉइस्चर चेंज ड्राई कंडीशन सोयल एंड कोहेसिव टाइप्स ऑफ सोयल। तो सीजनल मॉइस्चर चेंज, तो हम लोग बल्ब ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत कम हो, जहाँ पे स्टेबल जोन हो, तो वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं बल्ब। तो मॉइस्चर कंटेंट फ्लक्चुएशन जहाँ कम है वहाँ पे बल्ब प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो मोस्टली हम लोग फोकस करते हैं मॉइस्चर कंटेंट पे। तो सीजनल जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ पे हम लोग बल्ब प्रोवाइड करते हैं। तो अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन कहाँ प्रेफर करेंगे, वहाँ सूटेबल होता है जहाँ सीजनल मॉइस्चर चेंज हुआ, वाटर कंटेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सीजनल मॉइस्चर चेंज, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए अंडर रिम्ड पाइल मे बी डिटरमाइंड बाय। तो कह रहा कि अगर अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन है तो उस केस में लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला है सेफ लोड टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, पाइल लोड टेस्ट, साइक्लिक लोड टेस्ट। तो पाइल लोड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, ऐसा मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम लोग
मोस्ट ऑफ पाइल फाउंडेशन की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग यूज कर निकाल सकते हैं। तो IS कोड भी पाइल लोड टेस्ट जो होता है उसको रिकमेंड करता है, क्योंकि पाइल लोड टेस्ट है वह रैपिड भी है और इससे जो वैल्यू आता है, जो रीडिंग आती है वह सबसे एक्यूरेट भी आती है, इसलिए हम लोग पाइल लोड टेस्ट प्रीफर करते हैं। तो अंडर रिम्ड पाइल है तो उस केस में भी हम लोग पाइल लोड टेस्ट यूज करके निकाल सकते हैं। सेफ लोड टेस्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर पाइल लोड टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो सेफ लोड पेंट्रेशन टेस्ट हम लोग नहीं करते हैं यहाँ पे अंडर रिम्ड पाइल के केस में। तो सेफ लोड अगर नहीं है, पाइल लोड नहीं है, क्योंकि पाइल लोड में क्या है, हैमरिंग करके कहीं ना कहीं पेंट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक जैक, तो यहाँ पे अंडर रिम्ड पाइल केस में इम्पैक्ट हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं पाइल फाउंडेशन को सोयल के अंदर इंसर्ट करने के लिए। तो सेफ लोड से भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो सेफ लोड टेस्ट भी हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा आपका सेफ लोड करेक्ट है इस क्वेश्चन का, सेफ लोड टेस्ट। तो सेफ लोड टेस्ट क्योंकि इसमें हम लोग हैमरिंग नहीं करते हैं, इसलिए पाइल से बचते हैं, लेकिन वैल्यू पाइल लोड टेस्ट से ही हम लोग प्रीफर करते हैं निकालना। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन अंडर रिम्ड पाइल मे बी डिटरमाइंड फ्रॉम द सेफ लोड टेस्ट, मे बी डिटरमाइंड फ्रॉम द सेफ लोड टेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल टेस्ट। अगर एक्चुअल टेस्ट नहीं है हमारे पास तो उसके एब्सेंस में है तो हम लोग सेफ लोड टेस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वही है कि अगर नहीं है, एब्सेंट है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं सेफ लोड टेस्ट। तो अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन के लिए अगर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी तो किसके बेसिस पर डिटरमाइन करेंगे, याद रखेंगे मेबी डिटरमाइन बाय सेफ लोड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडर रिम्ड पाइल आर कनेक्टेड बाय ए बीम नोन एज अंडर रिम्ड पाइल। जो बहुत सारे अगर ग्रुपिंग कर रहे हैं अंडर रिम्ड पाइल बना के, मल्टी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा बहुत सारे टाई बीम्स के थ्रू। तो उस बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन के केस में अगर हम लोग बीम प्रोवाइड करते हैं तो याद रखेंगे उसको बोलते हैं कीपिंग बीम और ग्रेड बीम, उसको हम लोग बोलते हैं कीपिंग बीम और ग्रेड बीम। तो ये भी RCC स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये बीम की तरह, जो हम लोग बीम नॉर्मली बीम की पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो अगर रिम्ड पाइल फाउंडेशन के आपस में कनेक्ट करने के लिए बीम यूज करते हैं उसको याद रखेंगे कैपिंग बोलते हैं, कैपिंग और ग्रेड बीम बोलते हैं। तो द अंडर, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही इस क्वेश्चन के लिए। द अंडर रिम्ड पाइल एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे, द अंडर रिम्ड पाइल आर कनेक्टेड बाई ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम नोन एज कैपिंग बीम, कैपिंग बीम और ग्रेड बीम। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ अंडर रिम्ड पाइल शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड। अब यहाँ स्पेस की बात करो, वैसे स्पेसिंग हम लोग पढ़े हैं स्पेसिंग सिटी जनरली वैल्यू होना चाहिए, कह रहा कि अगर अंडर रिम्ड पाइल है तो उस केस में जो स्पेसिंग है वह किस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड, नहीं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ के डी के टर्म में, डाया पाइल के टर्म में दिया नहीं क्वेश्चन, तो इसमें वैल्यू के टर्म में दिया है कि कितना मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2.5 मीटर से याद रखेंगे, 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अंडर रिम्ड पाइल अगर है तो उस केस में स्पेसिंग। तो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ अंडर रिम्ड पाइल शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड 2.5 मीटर टू अवॉइड हैवी कैपिंग बीम। अगर इससे ज़्यादा हम लोग स्पेसिंग कर दे रहे हैं तो जो बीम प्रोवाइड करते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए अंडर रिम्ड पाइल को, उसको हैवी बनाना पड़ेगा, उसकी लेंथ भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो वो कास्टली पड़ जाएगा, ज़्यादा एक एक्स्ट्रा वर्क बढ़ जाएगा। अंडर रिम्ड पाइल आर नॉर्मली बोर्ड पाइल
तो कौन सी बोर्ड पाइल होती है? तो याद रखेंगे अंडर रिम्ड पाइल जो होता है वह होता है कास्ट इन सीटू पाइल, बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल होता है, कास्ट इन सीटू पाइल। तो ये हम लोग ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑन साइड जो हम लोग पाइल बना रहे हैं उसको बोलते हैं कास्ट इन सीटू पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेड बीम आर डिजाइन फॉर ए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ इफ द बीम आर सपोर्टेड। तो इसमें दो केस बनते हैं कि तो ग्रेड बीम के लिए बोल रहा है। ग्रेड बीम यानी वो बीम जो हम लोग एक अंडर रिम्ड पाइल को दूसरे अंडर रिम्ड पाइल से जोड़ते हैं पाइल ग्रुपिंग के अंदर, तो उसको बोलते हैं कैपिंग बीम और ग्रेड बीम। तो ये भी आरसीसी का बना होगा। तो अगर फिक्स्ड है, दोनों तरफ फिक्स्ड है, दोनों पाइल के साथ फिक्स्ड है, तो उस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 50 होता है। फिक्स है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 50, अगर फिक्स है तो मोमेंट की वैल्यू कम आएगी, इसलिए मैक्सिमम से डिवाइड कर दिया है। अगर फिक्स है तो मोमेंट कम आता है, तो इसलिए याद रखेंगे कम वाली वैल्यू तब आएगी जब ज़्यादा वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 50। तो क्वेश्चन में क्या बोला है सपोर्टेड के लिए, तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 50। लेकिन अगर फ्री है तो उस केस में याद रखेंगे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 30 होता है। अगर फ्री है तो उस केस में, अगर नॉट सपोर्टेड है तो उस केस में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 30 याद रखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में वही ग्रेड बीम डिजाइन फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 50 इफ द बीम आर सपोर्टेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, एंड फॉर द बेंडिंग मोमेंट ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 30 इफ द बीम आर नॉट सपोर्टेड। तो नॉट सपोर्टेड है तो याद रखेंगे मोमेंट ज़्यादा आएगा, और मोमेंट ज़्यादा आने का मतलब ये है कम से डिवाइड करना है।